नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। संथारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। जैन समुदाय की धार्मिक प्रक्रिया संथारा को गैर कानूनी करार देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर सोमवार को उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। जैन समुदाय में संथारा प्रक्रिया का प्रचलन है, जिसमें मृत्यु के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त को संथारा को गैर कानूनी बताते हुए इसे भारतीय दंड विधान की धारा 306 और 309 के तहत दंडनीय बना दिया था। ये धाराएं आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति HL दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की पीठ ने केंद्र, राजस्थान तथा अन्य को नोटिस भी जारी किए। जैन समुदाय के विभिन्न धार्मिक निकायों ने संथारा पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की थी। पीठ नत्थी की गई इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हिंदुओं को अपनी बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि हिंदू समुदाय को गैर धर्मावलंबियों के बुरे प्रभाव से अपनी बेटियों को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं को अपने समुदाय के बाहर विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू नारी शक्ति कमजोर होगी। उन्होंने हिंदू लड़कियों से लव जिहाद के प्रति सतर्क रहने की अपील की। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम द्वारा यहां पर आयोजित श्री नारायण गुरु जयंती समारोह में एक सभा में बोलते हुए स्वाध्वी ने कहा कि लड़की और माता पिताओं को इस संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी सज्जाद के भाई की गुहार। उधमपुर हमले के बाद हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पकड़े गए दूसरे पाकिस्तानी आतंकवादी अहमद सज्जाद को एक पाकिस्तानी युवक ने अपना भाई बताया है। असद ने बातचीत में बताया कि वह सज्जाद का भाई है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार सज्जाद के भाई ने कहा कि उन्हें उसकी गिरफ्तारी की खबर एक स्थानीय अखबार के माध्यम से लगी, जब उसने सज्जाद की फोटो छपी देखी। आतंकवादी सज्जाद से पूछताछ के दौरान उसने अपने घर का नंबर अधिकारियों को बताया था। रविवार को सज्जाद के परिवार से बातचीत की कोशिश की गई तो उसके भाई अहमद असद ने फोन रिसीव किया। उसने बताया कि सज्जाद के पिता का नाम फैज बख्श है, जो कि मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की डिजिटल रामचरितमानस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रामचरितमानस का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया। मोदी ने अपने सरकारी आवास 7 RCR पर रामचरितमानस के डिजिटल संस्करण को लॉन्च किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि रामचरितमानस ने परिवार व्यवस्था को मजबूत किया है। यह संगीत, संस्कृति और संस्कार की साधना है। रामचरितमानस से लोगों को प्रेरणा मिलती है। गौरतलब है कि रामचरितमानस के डिजिटल संस्करण को आकाशवाणी ने तैयार किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।